हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो कॉपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 766.70 पे क्लोज हुआ है, लगभग डेढ़ रुपये नीचे, फ्लैट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि कॉपर इस महीने के लिए दिखा रहा है लगभग 31 रुपीस का गेन, लगभग 4.2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इस महीने का लो था 733 और हाई था लगभग 791। ऊपर के लेवल पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी है। अभी जो है तो हम बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मगर यहाँ जो लोज है उसको हर बार आने पर हम कॉपर में अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं। मंथली चार्ट बुलिश लग रहा है, हमने यहाँ से नीचे के लेवल रिजेक्ट कर दिए और फ्रेश अप मूव स्टार्ट हुई है। तो हो सकता है कि हम जो है तो 860 और लगभग 940 के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही रूल रहेगा, अगर 730 का लो टूट जाता है तो हम जो है तो करेक्शन में जा सकते हैं और ये जो अप ट्रेंड है या फिर ये अप मूव है ये फेल हो जाएगी 730 के नीचे। जब तक ये 730 टूटता नहीं है तब तक जो है तो लॉन्ग साइड मुझे लगता है कि कॉपर जो है तो लॉन्ग ही रहेगा और ऊपर के टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। हमारा जो पहला टारगेट था लगभग 810 रुपये का, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था। हमने 791 प्लस के हाई देखे थे, वो आज से नीचे आ चुके हैं। तो यह देखना होगा कि फिर से जो है तो हम 730 को डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं। अगर उसके ऊपर रहते हैं तो मुझे लगता है कि 810, 860 और 940 के भी टारगेट लॉन्गर टर्म में आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि कॉपर जो है तो नीचे के लेवल पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने रिवर्सल देखा है। अभी ऊपर भी थोड़ा सा सप्लाई आ रहा है, मगर यहाँ हो सकता है एक लॉन्गर टर्म बाय सिग्नल जनरेट हो। अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक सेल सिग्नल ही चल रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा फिर से सप्लाई आ जाता है। अगर 730 का लेवल जो हमने मंथली चार्ट पे देखा है अगर वो टूट जाता है तो हम एक डीपर करेक्शन और सेल ऑफ देख सकते हैं कॉपर में। जब तक 730 नहीं टूटता तब तक आपको कॉपर में लॉन्ग व्यू ही पकड़ना है। अभी वीकली चार्ट के अनुसार जो है तो 745 के अराउंड अच्छा खासा सपोर्ट है, उस लेवल पे आता है तो आपको लॉन्ग करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 730 के नीचे होगा और जो टारगेट बनेंगे आपके वो रहेंगे 800 से लेकर 810 के। तो ये रहा थोड़ा सा स्विंग ट्रेडर के लिए ट्रेड, 745 के अराउंड जो है तो आपको बाय करना है, 730 के नीचे स्टॉप लॉस आपका टारगेट रहेगा 800 से लेकर 810 का। और यह वीकली चार्ट पे इस वीक जो है तो कॉपर फ्लैट पॉजिटिव बंद हुआ है लगभग 0.5% गेन के साथ, मगर यहाँ हमने अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखे थे लगभग 790 के करीब, मगर फिर से जो है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो यहाँ फिर से शायद नीचे के 740-745 के लेवल के लिए कॉपर आ सकता है, फिर उस लेवल से हम कॉपर में शायद रिवर्सल देखें और ऊपर के लेवल जो है तो आ सकते हैं इन मीडियम टर्म। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे कॉपर ने आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मूव दिया था, उसके बाद में कंसोलिडेशन किया, ऊपर के टारगेट अचीव करने के बाद फिर से कंसोलिडेशन लिया, फिर से जो है तो प्रीवियस हाई को उसने टच किया। तो यहाँ जो है तो बुल्स स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं एज पर डेली चार्ट भी, और जैसे ही नीचे आता है वो फिर से आ जाते हैं बाइंग करने के लिए। तो यहाँ कॉपर में जब तक कॉपर 7 डेली चार्ट पे जो है तो लगभग कॉपर के जो मेजर सपोर्ट है आप देख सकते हो कि मैं मेजर सपोर्ट मानता हूँ 50 डेज एवरेज को और 200 डेज एवरेज को। तो 754 का जो है तो मेजर सपोर्ट है डेली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए। अगर वो टूट जाता है तो हम 727 की तरफ जाएंगे। उतना डीपर जाएंगे या नहीं वो तो अलग बात होगी, क्योंकि यह मल्टीपल सपोर्ट है बीच में। तो आपको अगर आपका ट्रेड है कॉपर में तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 754 के नीचे, तो 752 पकड़ लीजिए और 750 पकड़ लीजिए। और अगर आपको बाय करना है तो इसी लेवल पे बाय करना है, आपको इस लेवल पे आने देना है और जब रिवर्सल का सिग्नल आएगा तभी कॉपर में एंटर कीजिए। आपको कॉपर में फिर से जो है तो 800-810 के लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए देख सकते हैं। अगर डीपर करेक्शन आता है तो हम फिर से 730 का जो लो है उसको टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, वही उस लेवल पे ही इसका 200 डेज एवरेज, और वहाँ से जो है तो फिर से एक बाउंस बैक दिखा सकता है कॉपर। डेली चार्ट पे ओवरबॉट लग रहा है या थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन आना बाकी है,
जो ऑब्वियसली आपने वीकली चार्ट पे देखा तो 740-745 के लेवल की तरफ शायद कॉपर जा सकता है। 745 जो है तो इसका 100 डेज का एवरेज है, तो उन लेवल पे आता है तो आपको कॉपर में लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है तो थोड़ा सा डीप रहेगा जो 730 का। बाकी अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये नो ट्रेड जोन में है, यहाँ कंसोलिडेशन और करेक्शन आ सकता है। एक बार बेस बिल्डअप होने के बाद हम फिर से इसमें ट्रेड लेंगे। डेली चार्ट पे जो है तो कॉपर में मुझे फिलहाल ट्रेड नहीं दिखाई देती। हाँ, जाना है तो आप शॉर्ट जा सकते हो, मगर उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की ज़्यादा चांसेस है, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ थोड़ा सा वेट ऑन वॉच करना है, अगर नीचे के लेवल पे आता है तो हम फिर से उसको बाय करने की कोशिश करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, फिर से ऊपर के टारगेट रखेंगे। क्योंकि यहाँ जो है तो बुल्स स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और हर एक बार जो है तो नीचे के लेवल पे कॉपर आने के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है, उसका सेलिंग सेल सिग्नल रिजेक्ट हो जाता है। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमोडिटी में जैकपॉट कॉल चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।